हाँ जी बोलो। पुरी में आया कि रावण की पूजा कहीं नहीं होती, फिर श्रीलंका में रावण की पूजा क्यों होती है? श्रीलंका में रावण की पूजा होती है तो नई बात सुनी है? सारी दुनिया ही तो लंका है और सारी दुनिया में रावण की पूजा तो कहीं नहीं होती। हाँ, श्रीलंका को श्रीलंका जरूर कहते हैं, रावण का देश लंका, और लंका का वो क्या टाइटल दिया, श्रीलंका। तो सोचना चाहिए ये श्रीलंका टाइटल क्यों दिया, रावण का देश श्री कैसे हो सकता। इसलिए को लंका किसने बसाई थी, श्रेष्ठ ने बसाई थी या कोई भ्रष्टाचारी ने बसाई थी? कौन था श्रेष्ठ है? शंकर जी ने बसाई थी, इसलिए उसका नाम श्रीलंका है। और है जो सीमा पर चलते हैं वही आपके बच्चे हैं, जो या तो जो सीमा पर नहीं चलते वो भी आपके बच्चे। अरे सारी दुनिया श्रीमत पर चलती है या मनमत पर चलती है और मनुष्य मत पर चलती है, गुरुओं की मत पर चलती है? है सारी दुनिया मनमत पर, मनुष्य मत पर, गुरुओं की मत पर चलती है? तो रावण के बच्चा है या शिव बाबा के बच्चे हैं? है रावण के बच्चे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं। और बाबा जो सन्यासी लोग होते हैं वो सिली सिलाई कपड़े नहीं पहनते। हाँ, ज्यादा मेहनत क्यों लें? बिना मेहनत के काम चल सकता है तो फालतू की मेहनत लेने की क्या जरूरत। और बाबा लक्ष्मी नारायण का अगला जन्म कौन सा होगा? अगला जन्म लक्ष्मी नारायण का जो जन्म होगा वो राज परिवार में होगा। राज परिवार में जो सतयुग में जन्म लेने वाला होगा कृष्ण, उसका बाप बनेगा। क्या बनेगा? बाप बनेगा। तो राज परिवार का भांति होगा, सतयुग में महाराजा नहीं होगा लेकिन महाराजा से भी कम स्टेज नहीं होगी। स्टेज ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा स्टेज होगी। और बाबा ऐसा कहते हैं रचियता का रचना पर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन बाबा शिव बाबा के बच्चों के साथ ये माया को लड़ती रहती है। हाँ, बाप के कार्यों में विघ्न डालती रहते हैं। हाँ, बच्चे को साफ करते हैं और योग लगाते हैं लेकिन माया लगने नहीं देती। हाँ, तो फिर कंट्रोल कैसे होगा? तो बच्चे माया की रचना है या बाप की रचना है? हैं? बाप की रचना है, फिर माया का कंट्रोल कैसे हो सकता है? जो बाप की रचना है वो बाप के कंट्रोल में रहेगी, जो माया रावण की रचना है वो किसके कंट्रोल में होगी? माया रावण की कंट्रोल में। हैं? ये कब कहा कि माया बाप की बच्ची नहीं है? बच्ची तो है, क्योंकि बाप के कंट्रोल में चलती है, बाप ने कंट्रोल में उसको क्या ऑर्डर दिया है? माया, जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। फटकाए के उनके प्राण ही ले लो, मार डालो।
और बाबा जो बांधेली माताएं हैं भट्टी नहीं कर पाती है क्या वर्षी के अधिकारी हैं? लगन बहुत है उनको, याद रहती है। लगन देखने में नहीं आएगी, चेहरे से देखने में लगन आती है या नहीं आती है? हाँ तो चेहरे से चलन से दिखाई पड़े, जो भी टीचर्स हैं वो जान जाएं कि ये तो महीने में हर बार मुरलियों को लेती है, बाबा की कैसेट लेती है, सुनती है और सारे वार्तालाप की जो गहन अध्ययन है वो भी है, मुरलियों का भी गहन अध्ययन है, अव्यक्तवाणियों का भी गहन अध्ययन है, तो पता लगता है कि रोज क्लास करती है। अगर रोज क्लास करती है गीता पाठशाला में तो साबित नहीं हो जाता है कि रेगुलर स्टूडेंट है, है? तो आगे बढ़ेगी पीछे घटेगी? आगे बढ़ेगी। हाँ बाबा, डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार बताए तो कौन से डबल विदेशी? हद के भी हैं डबल विदेशी, वो हद का वर्षा पाने वाले हैं, और बेहद के भी डबल विदेशी हैं, वो कौन सा वर्षा पाएंगे? बेहद का वर्षा पाएंगे। डबल विदेशी बेहद में वो है जो लौकिक परिवार वालों ने भी ठुकराई दिया और अलौकिक ब्राह्मण परिवार ने भी ठुकराई दिया, तो कैसे विदेशी हो गए? डबल विदेशी हो गए। मधुबन का श्रृंगार बनेंगे क्या? हाँ, साधारण नहीं बनेंगे। अपने माता को अलग रखा के गए हरियाणा में, जब आया तो सोनीपत के जिले में जब गया तो वहाँ के आराम करके उसके बाद उसने अपने माता से कहा कि मुझे यात्रा कराने के लिए अपना किराया दो, तब मैं आगे आपको लेके जाऊंगा। इसका बेहद में क्या अर्थ है? आशीर्वाद ही किराया है क्या? माँ बाप से जो आशीर्वाद मिलता है, दिल की दुआएं मिलती हैं, वही किराया है। और बाबा पानीपत के अंदर दशहरे और दिवाली के मौके पे 40 दिन का परिसर रहने के बाद बहुत सारे हनुमान निकलते हैं, महावीर का हो, हनुमान का हो, तो उनका बाबा क्या अर्थ है? पानीपत के अंदर ही क्यों निकलते हैं, किसी और शहर के अंदर क्यों नहीं निकलते? पानीपत जो है वो पत राघव गिरधारी, तो इतना पानी है ना, पानी होना अच्छा है कि न होना अच्छा है? है रह मन पानी राखिए, आंखों में पानी होना अच्छा है या न होना अच्छा है? है पानी वाली आंखें होनी चाहिए। पानीदार आदमी अच्छा कि निपान अच्छा? पानीदार आदमी अच्छा, तो पानी बहुत अच्छा है। पानीपत, ये पानीपत की महिमा बताई दी आपने क्या, कि पानीपत में जो भी है वो सब भगवान की पत रखने वाले हैं, ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखने वाले हैं, तो जो ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखने वाले हैं वो पानीपत वाले भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली है? भाग्यशाली है। हनुमान को क्या कहेंगे, भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली? भाग्यशाली है। तो एक एक भाग्यशाली है या सब भाग्यशाली हो? सब भाग्यशाली हो। तो ये पानीपत का मैदान हिस्ट्री में भी बहुत प्रसिद्ध है क्या? कहाँ की लड़ाई? पानीपत की लड़ाई। और लड़ाई करने में हनुमान आगे है या पीछे है? आगे रहता है। के अंदर तीन लड़ाई हुई है बाबा। हाँ जी, चौथी लड़ाई क्या अभी ने प्रयत्न क्या है? चौथी लड़ाई होगी बाबा पानीपत? हाँ, चौथी लड़ाई नहीं होती है, हिस्ट्री में तीन लड़ाई हुई है तो तीनों की ही शूटिंग होगी, चौथे की शूटिंग क्यों होगी? है? हाँ जी। और जो हद के गांधी थे, महात्मा गांधी,
और वेद के दादा लेखराज, इनका दुनिया में मान मर्तबा बहुत होता है लेकिन इनके बच्चों का नहीं होता। दादा लेखराज के ससुर दुनिया में मान मर्तबा होता है? गांधी जी का दुनिया में मान मर्तबा है कि भारत में ही है? उनके बच्चों का मान मर्तबा है, शिव बाबा के बच्चों का मान मर्तबा है, गांधी जी अर्थात ब्रह्मा बाबा। वेद का गांधी कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। तो उनके बाल बच्चों का मान मर्तबा होगा कि प्रजापद पाए रह जाएंगे? प्रजापद पाए रह जाएंगे तो उनका कोई मान मर्तबा होता है? शिव बाबा के बच्चों का मान मर्तबा होता है, वो राजा ही पाएंगे। और जगदम्बा है, जगत की माँ है, और 12-13 के आसपास उसका धूरी चेंज होगा तो सारे संसार की धूरी चेंज हो जाएगी। अरे जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा के एक देश की अम्बा? हाँ, तो सारे में ही परिवर्तन आएगा। ज्वाला रूप ज्वालामुखी पुरुषार्थ करने वाले ज्वालामुखी पुरुषार्थ करेंगे तो जगदम्बा में और जगत के बच्चों में परिवर्तन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। और बाबा सतयुग में प्रारब्ध होती है, प्रारब्ध मतलब क्या? प्रारब्ध का मतलब है जो यहाँ संगम में प्रारंभ किया है उसका रिजल्ट वहाँ आ जाएगा, लब्धि आ जाएगी। क्या लब्धि यहाँ होगी या सतयुग में होगी? हैं? लब्धि माने प्राप्ति। कहाँ प्राप्ति होगी? सतयुग में प्राप्ति होगी। और उसका पुरुषार्थ कहाँ होता है? संगम में पुरुषार्थ होता। प्रारंभ कहाँ किया? संगम में प्रारंभ किया। और यहाँ तो सारा सूक्ष्म ही है, स्थूल लड़ाई तो होती नहीं हिंसा की। और हैं कहते हैं धर्मराज हर आत्मा को साक्षात्कार का सजा देता जाएगा, लेकिन आत्मा का तो आत्मा का सजा खा ही नहीं सकती है। आत्मा सजा कैसे खाएगी? आत्मा सजा नहीं खाती। मुरली बोला है ऐसे नहीं समझना कि सूक्ष्म शरीर धारण करा के सजा करा देंगे। नहीं, स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। और हैं क्या होगा? जब तुम आवाहन दिल से करोगे तब आएगी। अभी दिल कहाँ लगा रहता है? ये तो देखो दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के ये पूछो अपने से, और भरी सभा में बताओ हमारा दिल कहाँ लगा रखा है। अरे दिल कहाँ रखा हुआ है? झूठे। और हाँ जी बाबा ने नेहरू के बारे में काफी कुछ बोला है कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि जो भी सामने आ रहा था तो लोग कुछ बोलते थे और पीठ पीछे बोलते थे, पीठ पीछे कुछ भी बोलते जाते थे, और जब सामने आते थे तो कुछ बोलते जाते थे और उनकी हामे हामे लाते थे। नेहरू का वैसे वास्तविक जीवन में चरित्र देखा गया तो वो अच्छा नहीं बताया गया। अच्छा जो है और तुम्हारे जो नेहरू बेहद के हैं उनका जीवन चरित्र अच्छा है आखिरी जन्म में है? अरे हद जो हद होगा वही तो बेहद होगा। तो तुम्हारे बेहद के जो नेहरू जी हैं उनका जो पास्ट जीवन है वो अंतिम जन्म में अच्छा है? अच्छा है। पास्ट जन्म में जो नेहरू जी का अंतिम जन्म हुआ बेहद का वो अच्छा होता है या बुरा होता है? आखिरी जन्म सभी का बुरा होता है,
तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई, नेहरू जी भी कलयुग के अंत में जन्म लेने वाली आत्मा है या सतयुग आदि की आत्मा है? हद का नेहरू है, कलयुग में जन्म लेता है तो कलयुग में जन्म कैसा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है? बुरा ही होता है। और बाबा ब्रह्मा के मुख की पूजा होती है जबकि बाप के लिंग की पूजा होती है, जबकि और कैसे होता है? ब्रह्मा की क्या पूजा होती है, मुख की कहीं पूजा होती है? ब्रह्मा की तो पूजा होती ही नहीं है। हाँ वो जो पुजारी लोग हैं वो ही पूजा करते हैं, जैसे माउंट आबू के जो पुजारी हैं वो ही ब्रह्मा की पूजा करते हैं, दूसरे बाहर वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं करते हैं। हाँ जी, और स्थिति को बदलने का प्रयास हूँ। पुरुष आत्मा का नाम है पुरुष, अर्थात शरीर रूपी पुरी में सोने वाली, आराम लेने वाली। तो शरीर रूपी पुरी में आराम लेने वाली आत्मा देवताओं की होती है या मनुष्यों या राक्षसों की होती है? देवताएं आत्मिक स्थिति में रहती हैं, उन्होंने असली पुरुषार्थ किया है आत्मिक स्थिति में रहने का। तो पुरुषार्थ का मतलब यह है कि आत्मा रूपी शरीर, आत्मा जो है जो शरीर में शयन करने वाली है वो आत्मा के अर्थ करे, देह के अर्थ न करे। जो देह के अर्थ किया जाता है वो स्वार्थ है, रथ के प्रति है, आत्मा के प्रति नहीं है। और बाबा रावण को जलाया जाता है, आज की उसमें अव्यक्तवाणी में आया कि रावण को जलाया जाता है, मारा नहीं जाता, लेकिन राम का तो मारने का गायन है कि उसने मारा, राम का तो मारने का गायन है कि राम ने रावण को मारा, तो फिर मारने और जलाने में क्या अंतर? ये कैसे पता चला कि राम मारता ही है उसको जलाता नहीं है? जलाने का काम घर में पैदा हुए बच्चों का होता है या जिसने मारा है उसका काम होता है? हैं? हाँ, जो जलाता है वो वर्षे का अधिकारी होता है। तो रावण के शरीर को जलाने वाला कुंभकर्ण, वो कुंभकर्ण तो मर गया, बाकी बचा कौन सा भाई? विभीषण बचा। तो जिसने जलाया उसने लंका पर राज्य किया। जलाता है वो राज्य करता है कि नहीं? बाप के वर्षे के ऊपर राज्य करता है ना, तो ऐसे ही है। और बाबा विभीषण का पाठ किसका होगा? विभीषण कौन होगा? जो विशेष भीषण भयंकर हो, जो घर का भेदी होता है वो ज्यादा भयंकर होता है या बाहर के दुश्मन ज्यादा भयंकर होते हैं? तो वो विभीषण है। यहाँ जितने भी आए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं या कोई दूसरे आश्रम से आए हैं, तो ब्रह्मा कुमारियों के लिए यहाँ जो आए हैं एडवांस में दुनिया में, वो सबसे ज्यादा उनके लिए भीषण है, भयंकर है या दुनिया वाले भयंकर हैं? हैं? जो यहाँ आकर के बैठे हैं वो उनके लिए बड़े भयंकर हैं। तो बाबा हम सब विभीषण हैं? रावण तो नहीं है। विभीषण होना अच्छा या रावण होना अच्छा? सारी दुनिया में, सारी दुनिया तो रावण संप्रदाय है, सारी दुनिया क्या है? रावण संप्रदाय। और हम रावण संप्रदाय में विभीषण है। तो भगवान हमें पसंद करेगा या ना पसंद करेगा? हमें तो पसंद करेगा। और बाबा जब आज्ञा की विनाश काल का तिथि आएगा तो बाबा से कांटेक्ट कैसे हो पाएगा?
आगे आगे विनाश काल का पीरियड जब आना है तो उस टाइम बाबा से कॉन्टेक्ट कैसे कर पाएंगे? मानसिक रूप से बाबा, बाबा बुद्धि है या शरीर है, और बाबा जिसमें प्रवेश करता है वो भी मन बुद्धि स्वरूप हो जाएगा या मुर्दा रह जाएगा? तो मन बुद्धि स्वरूप बनो तो कनेक्शन होगा। और पांडवों का वो जो वनवास मिला उसके बाद एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ, उसका दोनों बेहद में क्या अर्थ है? बेहद में अर्थ है कि विशेष गुप्त रहने का पुरुषार्थ करना पड़े। ज्वालामुखी पुरुषार्थ करना है तो अति गुप्त रहना है या अपने को प्रत्यक्ष करना है? और ही ज्यादा गुप्त हो जाओ। और उसमें एक मुरली बोल रहा था बाबा, चोरी अट्रैक्टिव, चोरी का थ्योरी का मतलब है पढ़ना लिखना, और प्रैक्टिकल का मतलब है जो कुछ पढ़ा लिखा है वो जीवन में करके दिखाना। जीवन में करके दिखाया वो प्रैक्टिकल हो गया, और सिर्फ पढ़ा दूसरों को पढ़ाया तो वो चोरी है। हाँ। और बाबा गुप्त का क्या अर्थ है? गुप्त का बाबा क्या अर्थ है? गुप्त ब्राह्मण परिवार से गुप्त हो जाए या फिर ब्राह्मण परिवार से गुप्त ना हो जाए, अपने पुरुषार्थ को गुप्त रखें। योग जुगुति जप मंत्र प्रभाव फले जबे जब करिय दुराव, भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं। ज्ञान योग गुप्त होना चाहिए, या जैसे भक्ति मार्ग में बोल बोल कर रहे हैं वो होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। राम नाम की हीरे मोती में राम गली गई, खेलो रे कोई राम का प्यार है शोर मचाऊं गली गई। संदेशा बाबा कहते हैं, आप कहते हो बाबा कहते हैं संदेशा दो, संदेशा भी देते हैं। भक्ति मार के फिकरे तो खूब रटे, ज्ञान मार्ग का फिकरा है कि नाम किस आधार पर होता है? काम अच्छे अच्छे करके दिखाओ, जो बाबा ने काम बताया है कि ये काम करो वो काम करके दिखाओ। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं तो वो काम के आधार पर नाम रखे गए हैं। अच्छे अच्छे काम किए हैं तो नाम वाला हुआ है। त्रेता में कोई विनाश नहीं होता, त्रेता के अंत में विनाश होता है। हाँ, द्वापर अंत में कोई ऐसा विनाश नहीं होता। हाँ, अंग्रेज मुसलमानों का आक्रमण होता है पहला पहला, वो मुसलमानों का आक्रमण कलयुग में बढ़ता जाता है। कलयुग के शुरुआत होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने पहला पहला आक्रमण किया, तब से भारत की दुर्गति होना शुरू हुई। बाकी द्वापर के अंत में कोई विनाश नहीं होता है। तो जिस तरह तो द्वापर की माँ बात की लड़ाई दिखा दे बाबा, फिर आज शूटिंग संभव की। द्वापर के अंत में जो लड़ाई दिखाई है वो संगम युग में शूटिंग की बात है। क्या संगम युग में
जो द्वापर युग की शूटिंग के अंत में जो ब्राह्मणों की दुनिया में युद्ध हुआ है, कलह हुई है, उसकी यादगार दिखाई गई है। और बाबा एक मुनि ने बोला है जिनको रत्न है उनको स्वार्थ भी है और कामना भी रहती है। ये शिव बाप जो है किसी के साथ अटैचमेंट वो बिना प्रकृति के साथ अटैचमेंट होता है तभी तो कार्य संपन्न करता है। शिव बाप का भी अटैचमेंट होता है तो प्रकृति के साथ नहीं होता। शिव बाप का अटैचमेंट होता है, है? अटैचमेंट होता है कि आधार लेता है अपना काम करने के लिए, प्रकृति को अधीन करके आता है। अटैचमेंट होना अलग बात है, अधीन होना अलग बात है। जो अटैचमेंट में आ जाएगा, लगाव झुकाव में आ जाएगा, वो तो उसकी ओर झुक जाएगा या झुकाएगा, झुक जाएगा। शिव बाप आते हैं तो प्रजापिता को झुकाते हैं या प्रजापिता झुकाता है? शिव बाप आधीन करते हैं या प्रजापिता आधीन करता है शिव को? हैं? शिव बाप आधीन करते हैं। अष्ट रतन की बात कर रहे हो या अष्ट देव की बात कर रहे हैं? दोनों अलग अलग हैं। रतन की तो कम वैल्यू एक दूसरे से कम होती है। अष्ट देव है वो देव तो बराबर मर्तबे वाले हैं, थोड़ा सा अंतर होता है फिनिशिंग का। है वो पूर्वज है, सबसे पहले जन्म लेने वाले हैं, वो संगम युग के हैं, वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में है। बहुत अंतर है। जैसे रत्नों में अंतर है, कहां हीरा और कहां पुखराज, वो वैल्यूलेस और वो मोस्ट वैल्यूबल, तो बहुत अंतर हो जाता है रत्नों में। और अष्टदेवों में तो बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ फिनिशिंग मात्र का थोड़ा सा अंतर है। इतना अंतर है जो कोई पहचान भी न सके, नहीं पहचानते हैं तो और धर्मों के मुखियाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई क्राइस्ट को भगवान मान करके चल पड़ता है, भगवान से प्राप्ति नहीं कर पाता। भगवान मिलता भी है, भगवान को पाता भी है, लेकिन भगवान से वर्षा नहीं ले पाता। पाने के बावजूद भी वो क्राइस्ट की ओर मुड़ जाता है। और शास्त्रों में महादेव को प्रजापिता को एक बताया गया, बताया गया शास्त्रों में प्रजापिता वाली आत्मा और ये शंकर वाली आत्मा। शास्त्रों में जहाँ शंकर कहा है, शास्त्रों में जहाँ राम कहा है, शास्त्रों में जहाँ कृष्ण कहा है, वहाँ भगवान समझना चाहिए या देहधारी समझना चाहिए? भगवान है वो। शंकर को स्थूल रूप में दिखाया है, यह बिंदु दिखाया है स्थूल रूप में। तो भगत जो है वो स्थूल रूप को देखते हैं या बिंदु को देखते हैं? तो वो शास्त्र है भक्तों की बात। और हमने तो अब जान लिया ना कि जो शंकर है वो तो शिव है। क्या वो शंकर जो विनाश करता है वो शंकर विनाश का काम करता है या शिव बाबा करता है? विष पीने का काम, विषय वासना खलास करने का काम, विषय वासना जलाने का काम शिव करता है या शंकर करता है? शंकर करता है।
हाँ शिव करता है, तो शिव भगवान का पार्ट है, वो शंकर के रूप में भगत लोग देखते हैं। अब हम तो समझ गए हैं कि शंकर भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है या नहीं है, है? नहीं है। प्रजापिता बकरे का मुंह दिखाया अंत में, माने जब तामसी बन जाता है तो अहंकारी हो जाता है। दुनिया की हर आत्मा पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान बनती है, तो प्रजापिता को भी ऐसे ही दिखाया गया। और जो भट्ठी करके आत्मा क्लास में नहीं आती तो इस तरह से जो भट्ठी करके आत्मा अब तो छोड़ दे ज्ञान में, तो संगठन में ज्ञान का संदेश देने का उनकी कोई आदत नहीं है। संदेश देना अच्छा है, ज्ञान में जो छोड़ देता है तो वंचित हुई आत्माओं को उठाना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। दुनिया वालों को संदेश देने से तो अच्छा, जो अपने घर के टूट गए हैं उनको मनाना अच्छा है। बाबा मुरली में बोला गया है कि दिव्य दृष्टि का जो वरदान है वो सिर्फ एक अर्जुन को नहीं देता हूँ, संजय को भी देता हूँ। अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं देता हूँ, अर्जुन को ही हाँ, संजय अकेला थोड़े, शास्त्रों में तो बहुत हैं जिनको दिव्य दृष्टि दी है। तो मेरा प्रश्न बाबा ये है कि संजय जो बेहद की भाषा में है बाबा के बच्चे हैं, तो उनको तो ब्रह्म कुमारी के अंदर उन्होंने संजय ने जैसे क्या किया धृतराष्ट्र को, वो सुनाया युद्ध के अंदर आज ये मारक जा रहा, आज ये मारक जा रहा, जो यहाँ के बेहद में संजय है उनको तो सुनने को तैयार नहीं है धृतराष्ट्र। संजय कौन है यहाँ के बेहद के? बाबा के बच्चे। बाबा के बच्चे सब संजय हैं, सबकी संपूर्ण जय होती है, सम माने संपूर्ण और जय माने विजय, तो सबकी संपूर्ण विजय होती है, सब संपूर्ण नारायण बन जाते हैं, हैं? सब विजय पाके विश्व की बात सही ले लेते हैं, तो सब कहां संजय हो गए। बाबा जिस एक संजय के बारे में बोला गया, एक संजय के बारे में जिसके बोला है वो ही अंधों की आंखें खोलता है। कौन है बेद में? संपूर्ण विजय किसकी होती है? और न्यू लीला बाबा समझी है? नूर किसमें भरा हुआ है? अरे जिसमें नूर भरा हुआ है उसी की तरफ इशारा है। कौन है नूर हीरा? अरे वो नूर हीरा किसके अंडर में है? अभी विदेशियों के अंडर में है, तो अब बताओ वो नूर हीरा कौन है? हैं? कौन है? छोटी मम्मी है। और बाबा हैदराबाद के दिव्य संदेश नौ लाख आत्माओं को मिला था, है? हैदराबाद के संदेश मिला था नौ लाख आत्माओं को। हाँ सिंध हैदराबाद में दादी प्रकाश में लेकर सब दादी थी, है? दादी प्रकाश में लेकर जो प्रकाश में दादी थी, दादी प्रकाश में हैदराबाद में, हाँ? देख लिया बाबा ने कहा तो वो दादी नौ लाख आत्माओं में क्यों नहीं आती बाबा? नौ लाख आत्माओं में क्यों नहीं आती? नौ लाख साढ़े चार लाख बीज रूप आत्मा हो गई, साढ़े चार लाख जन्म लेने वाली हो गई, जो जन्म लेने वाले हैं उसमें सेकंड नारायण नहीं होगा, फर्स्ट नारायण से जन्म लेगा या नहीं लेगा? लेगा। सतयुग का जो फर्स्ट नारायण दादा लेखराज ब्रह्मा बनेगा तो उससे उसका जन्म होगा या नहीं होगा? होगा। और लेकिन कार्य संपन्न करने की कामना तो रहती है नाम के अंदर, किसमें? शिव बाप के अंदर। अरे शिव बाप आता काहे के लिए? कार्य संपन्न करने के लिए, तो कामना नहीं रहेगी तो फिर कैसे दिन को रहते हैं उनको स्वास्थ्य की कामना? जाने क्या बोलते हो तुम,
तुम किस आत्मा की कामना की बात कर रहे? शिव की बोल रहे, शिव बाप शिव शिव जो आएगा ही संसार में कुछ लक्ष्य लेकर आता है कि बिना लक्ष्य के आता है? लक्ष्य लेके ही आता है बाबा। तो लक्ष्य पूरा नहीं करेगा, लेकिन कामना तो वही है। उसे कामना की जरूरत, कामना उसे कही जाती है जो रथ के लिए पूरी की जाए। उसका रथ ही नहीं है कामना का ही, वो किसी से कोई कामना नहीं करता, वो निष्काम कर्मी। और बाबा नौ धर्म की 12-12 आत्माएं मिलकर 108 की माला बनती है, तो फिर दूसरे धर्मों में तो जाना अच्छा नहीं है, सूर्यवंशी धर्म में रहना अच्छा है, तो 108 में आना अच्छा है या नहीं? 108 में आना अच्छा या 108 में भी 12 में आना अच्छा जो पहले अव्वल नंबर के हैं? 12 में आना, अल्लाह अव्वल दिन में आना चाहिए या थर्ड क्लास धर्म में जाना चाहिए? है अल्लाह माला में नीचे का मणका बनना चाहिए या ऊपर का मणका बनना चाहिए? दाई ओर का मणका बनना चाहिए या बाई ओर का मणका बनना चाहिए? दाई ओर का बनना चाहिए। फिर बाबा उन 12 में भी तो 4 नष्ट देव है। हाँ, तो उसमें भी हमें अच्छा अच्छा बनना चाहिए या निष्कष्ट बनना चाहिए? अरे अच्छा बनना चाहिए, तो कौन सी पाला में जाना है? 8 के अष्टदेव के स्टेज में जाए। अरे शेर का बच्चा बनना अच्छा है या गधेड़ों का राजा बनना अच्छा है? शेर का बच्चा है? शेर का बच्चा। तो प्रश्न काय के लिए पूछा? विजय माला का अर्थ है विजय पाना, हार खाना। विजय माला है एडवांस वालों की माला, एडवांस वालों की माला बनेगी रुद्र माला बाबा ने कहा। हाँ विजय माला। अच्छा बात ही कर लो, तुम ही कर लो बात है। हाँ बोलो बाबा, जो विजय माला है उनको भी तो वर्षा बाबा से ही मिलना है। हाँ तो विजय माला जो कहते हैं, कई कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के अंदर ही रह करके अपने। अरे बाप से पहले कौन मिलते हैं? रुद्रमाला है तो वो बाप से पहले मिलते हैं, और जो बाद में मिलते हैं वो विजय माला है। लास्ट सो फास्ट कौन जावेंगे? हैं विजय माला लास्ट में आने पर भी फास्ट जाए, कारण क्या है? प्योरिटी की बात है। रुद्रमाला ये राजाओं की माला है, राजाएं जन्म जन्मांतर के पतित हैं या पावन संस्कार वाले हैं? पतित संस्कार वाले हैं। इतना पुरुषार्थ कराया लंबे समय से बाबा ने, सन 76 से लेकर के, और 9 दिन चले 250 कोस, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। तो काम पूरा कौन करता है? विजय माला आती है तो इन लंगड़ों को विषय वैतरण नदी पार कराती है। हाँ शनिदेव कौन सा धर्म सबसे नीचा है? है आर्य समाजी में भी दो तरह के हैं, एक वो हैं जिन्होंने रशियंस को जन्म दिया है बिल्कुल नास्तिक, एक वो हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो वो शनिदेव है। राहु तो बिल्कुल नास्तिक है, उसका तो सर ही सर है, देह है ही नहीं। पवित्रता देह से धारण की जाती है या मन बुद्धि से ही धारण करेंगे?
है, देह से ही पवित्रता होगी अपवित्रता होगी। देह से पवित्रता भी धारण की जाती है और देह के द्वारा अपवित्रता भी धारण की। और जिसको सिर ही सिर है, देह है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है। एक राहु है, एक राहु है, केतु तो वो शरीर हो गया ना, राहु सिर हो गया, मन बुद्धि हो गई, और केतु हो गया शरीर मुर्दा। हाँ, द्रौपदी इतने बड़ी जान में थी, जान थी, फिर भी उसने दुर्योधन को अंधा के बोला। हंसी कुड़ी की जाती है कि नहीं देवर के साथ कि द्रौपदी के ऊपर ही उंगली उठाना आता है? अरे जो संबंध होते हैं उन संबंध में कोई विशेषता होती है कि नहीं है? तो भाभी और देवर ये आपस में हंसी कुड़ी नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं है? तो अंधा कोई गलत बोल दिया कि सही बोला है? बात तो सही बोली लेकिन थोड़ी लगने वाली बात बोल दी है? उसके बाप को भी बोला था, अंधे का पुत्र था, ऐसे बोला था, इसलिए गुस्सा कर गया वो। तो झूठी बात बोली या सही बात बोली? सही बोली। तो फिर चोर को चोर कह दो तो उसे बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? तो भी उसे बुरा लगता है तो चोर पक्का। अभी भाई ने कुछ बोला उधर कोने में और बाबा ने कह दिया झूठे, तो भाई को बुरा लगा या अच्छा लगा है? अगर बुरा लगे तो दुर्योधन के शासन। और लास्ट में एक ट्रेन आएगी, एक ही ट्रेन बचेगी, वो कौन सी ट्रेन होगी? सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पहली ट्रेन में जो चढ़ गए वो तो बच गए, जहां पहुंचना था पहुंच गए। बाद में दूसरी जो ट्रेन चली उसमें चढ़ने वाले सारे कट मरे। तो वो पहली ट्रेन एक जगह से निकली थी या अलग जगह से? अलग अलग जगह से पहली ट्रेन निकली थी, अलग अलग जगह से पहली ट्रेन निकली थी। बाद में फिर अलग अलग जगह से दूसरी तीसरी ट्रेन भी निकली, वो दूसरी तीसरी ट्रेन काट मारी गई। तो पहली ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि एक ही ट्रेन चलेगी, अरे चारों तरफ से ट्रेन आएगी तो एक ही होगी कि अनेक होंगी? एक ही होगी कि अनेक होंगी? एक ही होगी। हाँ, अलग अलग जगहों से अलग अलग ट्रेनें चलेंगी। जाना तो सबको है, बच्चों को माउंट आबू, तो माउंट आबू एक ही ट्रेन से सारी ऑल इंडिया के लोग चले जाएंगे या अलग अलग ट्रेनें छूटेंगी? अलग अलग छूटेंगी। समय की बात है। नहीं, जिन्होंने पहले से अपना बैग एंड बैगेज इकट्ठा कर लिया वो तो फटाक से चढ़ जाएंगे। हाँ, जो जहाँ लगाव झुकाव में लगे रहे तो वो रह जाएंगे, कट मरेंगे। हाँ जी। और बाबा जी गति को उसका बाल रूप में लेता हुआ दिखाते हैं, क्यों बड़े आराम से लेता हुआ दिखाते हैं चित्रों में? ये पहले दिखाते थे कि अब दिखाते हैं? चित्रों में बाबा न, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। आज से 50 साल पहले दिखाते थे शंकर जी को छोटा सा रूप लेटा हुआ सोता हुआ, या अब ही दिखाते हैं? है पता नहीं है,
तो पूछ लो बूढ़ी बूढ़ी माताओं से। वो सोता हुआ बाल रूप शंकर जी का अब दिखाते हैं या पहले भी 20-50 वर्ष पहले दिखाते थे, अब दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो शंकर वाली आत्मा है, शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो अभी भी अज्ञान की नींद में सोई हुई है या पूरी जाग चुकी है? अभी भी सोई हुई है। जब पूरी जाग जाएगी तो प्रत्यक्षता हो जाएगी, सब कहेंगे कि बाप आ गया। अभी कोई नहीं जानता क्योंकि सोई हुई है। और उसको भूल हो गई तो पांव रखा और जीभ निकाल लिया। क्या हुआ बाबा जी? गोल्डन की दिखाते हैं काली माई की अंकता में, गोल्डन की दिखाते हैं। और क्या, कोई कोई गलती करे और गलती करने के बाद एहसास कर ले तो गोल्डन बात है या नीची बात है? गोल्डन बात है। और गैया में लोगों में जो है ना 33 करोड़ देवी देवताओं का वास दिखाते हैं। सर के ऊपर शंकर और गोबर में जो है ना ब्रह्मा को दिखाते हैं। गोबर में ब्रह्मा को दिखाते हैं, उसका क्या है? गोबर में मतलब जो गाय गाय है ना, तो गाय की पेशाब में नहीं दिखाते हैं, काय में दिखाते हैं, गोबर में दिखाते हैं। माने उनकी बुद्धि कहाँ धरी रहती थी? हैं? गऊओं के गोबर में धरी रहती थी। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है क्या? एकलव्य का पाठ ब्रह्मा का है या शंकर का है? शंकर का है। वो एक तरफ बुद्धि रहे, जिनके कनेक्शन में आते हैं उनके कनेक्शन में बुद्धि न रहे क्या? देह के कनेक्शन में आना अलग बात और देह के कनेक्शन में बुद्धि धरी रहना ये अलग बात हो जाती। तो ब्रह्मा का क्या था और शंकर का क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है? है शंकर वाली आत्मा गऊओं के कनेक्शन में तो आती है, लेकिन कनेक्शन में आने के बावजूद भी बुद्धि उपराम रहती है। इसीलिए लिंग की पूजा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? लिंग की पूजा दिखाते हैं और इंद्रियों की पूजा नहीं दिखाते। और ब्रह्मा का क्या हुआ? जिन गऊओं के कनेक्शन में आए उन गऊओं में उनकी बुद्धि आकर्षित हो गई, अटैचमेंट में आ गई, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। जो प्रकोप है वो 250-700 साल का बताया जाता है। शनिदेव का प्रकोप 250 साल और 750 साल का बताया जाता है। उनको दो सहयोगी मिलते हैं। एक सहयोगी होता है कि जिस पर आक्रमण करता है उनके इशारे पर, शनिदेव के इशारे पर, तो 250 साल तक उसके ऊपर दैया चढ़ जाती है। और दूसरा सहयोगी है वो बड़ा दिखाया जाता है कि छोटा? वो बड़ा काम करता है। 250 साल की जगह 7.5 साल की 7.5 साल ही 7.5 ही चल जाती है। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा हुआ? नहीं, वो 250 साल में ही सारा काम करके दिखा देता है, दुष्ट व्यवहार करके दिखा देता है।
और उसको उसको 7.5 साल लगते हैं नीचे गिराने में। ये बड़े बड़े प्रश्न क्यों लिख के भेजते हो बाबा? ज्ञान काल में कोई गलती करता है और फिर पश्चाताप करता है तो उसके पाप कुछ कम हो जाते हैं या नहीं होता? अज्ञान काल में जो पाप किया उसका एक गुना बोझा चढ़ा, वो तो कम वैसे ही है। और ज्ञान काल में जो पाप करता है उसका 100 गुना बोझा चढ़ता है और वो बता देता है तो हाफ कट जाता है, मतलब 50% कम हो जाता है और 50% का फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ से तो कट ही जाते होंगे, पुरुषार्थ से तो कट ही जाता होगा। करेंगे तो कटेगा, नहीं करेंगे तो कहां से कट जाएगा? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के ताज में मोती लटकता हुआ दिखाते हैं और नारायण के ताज में मोती नहीं दिखाते हैं। अरे हीरा तो दिखाया है, है? तो हीरा अच्छा या मोती अच्छा? हीरा अच्छी चीज है। और कृष्ण के ताज में मोती लटकता दिखाया है, राधा के ताज में मोती लटकता नहीं दिखाया है। कृष्ण राजा है या नारायण राजा है? तो कृष्ण राजा थोड़ी है जो मोती लटकता हुआ दिखाया जाए। और प्योरिटी का ताज किसको पड़ा हुआ है? राधा को है या नहीं है कि उतार दिया है? अरे राधा जब कन्या है तो प्योरिटी का ताज उसने उतार दिया है या चढ़ा हुआ है? तो क्यों नहीं मोती दिखाया जाएगा? मोती माने मोती में और हीरा में क्या फर्क है? मोती ज्यादा कीमत का या हीरा ज्यादा कीमत का? मोती कम कीमत का है। माना राधा अपने बचपने में कन्यापने में जो पुरुषार्थ करती है वो अच्छे अच्छे वारसदार तो निकालती है, लेकिन उन वारसदारों में कोई हीरा नहीं होता है, अष्टदेव बनने वाला कोई भी नहीं होता है। जो जीके वाले पुरुषार्थ कर रहे हैं सेवा का, उस सेवा से प्रजा निकलती है या राजाएं निकलते हैं? प्रजा निकलती है। लेकिन राधा जो सेवा करती है वो उच्च कोटि की प्रजा निकालती है या नीची कोटि की प्रजा निकालती है? ऊंची कोटि की प्रजा निकलती है। पहले नंबर की जो प्रजा है पहले जन्म की, उसकी विशेषता बताई है, यथा राजा तथा प्रजा होती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण का चित्र है तो कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई है, राधा के हाथ में मुरली दिखाई है, तो दोनों के हाथ में मुरली दिखाई है, इसका अर्थ क्या है? संगम युग में मुरली कृष्ण बजाता है या राधा बजाती है? कृष्ण बजाता है। और सतयुग में ज्ञान की मुरली होती है या बांस की मुरली होती है? हैं? बांस की मुरली होती है, वो दोनों के हाथ में, दोनों वाद्य यंत्र बजाते हैं। बाबा, ये जो आपने अभी बताया भी लक्ष्मी जो वारिसदार निकालती है वो प्रजा वर्ग के होते हैं? हाँ, प्रजा वर्ग की श्रेष्ठ आत्मा। तो फिर जैसे अष्टदेवों में से बाबा ने बताया भी 4 विजयमाला में से आएंगे और 4 रुद्रमाला में से होंगे, तो जो 4 विजयमाला में से आएंगे उनको निकाल? वो तो जब आएंगे, जब कनेक्शन जोड़ेंगे, एडवांस कोर्स लेंगे, भर्ती करेंगे तब आएंगे या अभी आ गए? अभी ये ज्ञान से मालूम पड़ता है कि ये 4 निकल आए तो विजयमाला में जो पहले 4 होंगे वो आ जाए, आ गए। प्रैक्टिकल में तो नहीं आ गए।
सतयुग में बांस के जो यंत्र होते हैं वो कोई कारखाने में थोड़े यंत्र बनते हैं बाजे वगैरह। कोई भी औजार कोई भी यंत्र वहाँ कारखाने नहीं होते हैं, वहाँ प्रकृति की ही बनी हुई चीजें होती हैं। तो बांस की मुरलियाँ होती हैं, बांस के यंत्र होते हैं, ऐसे थोड़े कि वहाँ कोई कारखाने होते हैं। बाबा विष्णु में काशी भी आती है, विष्णु के पाठ लाती है, विष्णु में चार उसमें काशी भी सूक्ष्म होती है। विष्णु में काशी में चार भुजा विष्णु की दिखाते हैं, उसमें काशी भी आती है। विष्णु में चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, सो पार्क में काशी का काशी का चार भुजाओं में चार भुजाएं दिखाते हैं बाबा, उसमें काशी का भी पार्ट दिखाते हैं, काशी का भी पार्ट है चार भुजाओं में। विष्णु की चार भुजाओं में काशी का पार्ट है, पूछ रही है बाबा भी है काशी करती है ना यज्ञ की पालना, यज्ञ में पालना तो करती है काशी, लेकिन जो पालना करती है वो राजा है या रानी भी बनने वाली है? फिर यहाँ तो विष्णु में दोनों पार्टधारी होने चाहिए। विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु का मतलब दोनों ही संस्कार, नो भी सैटाल, ये रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं उन मणकों में जो राम वाली आत्मा है वो तो एक संपूर्ण है, और बाकी सब नंबर बार राजा हैं या अव्वल नंबर है? नंबर बार है। और टू लेट का बोर्ड निकलने से पहले निकल गए तो वो कोई भी पद पाए, लेकिन वो अव्वल नंबर के हो गए। अंतर पड़ जाता है, कोई ऐसे भी होंगे 36 तक भी निकलते रहेंगे। नहीं फिर क्या बाबा वो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी जो टू लेट के बिल्कुल होंगी, अव्वल नंबर की कोई आत्मा नहीं निकल सकती टू लेट के बाद? ये आप कैसे जानेंगे कि ये टू लेट के बाद जो निकली है वो लास्ट नंबर की है, अभी नहीं आ सकती, पहले जन्म में नहीं आ सकी होगी, संगम के आदि की नहीं हो सकती? हो सकती है बाबा, ज्ञान में चलती हो लेकिन भट्टी बाहर निकली हो तो क्या? ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में तो काफी सालों से चलते हो लेकिन भट्टी टू लेट का बोर्ड लगने के बाद की हो। ज्ञान में कोई चलते हो लेकिन बाप के घर में जाकर जन्म लिया बाद में जाके, तो बाप का वर्षा पहले मिल सकता है? जब बाप के घर में जन्म लेंगे तभी तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। जन्म कब लेते हैं? गर्भ में जाने से पहले जन्म ले लेते हैं। वही बाबा जो इसने क्वेश्चन अभी पूछ लिया, वही क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, वो बच्चा वर्ग में आएंगे? अरे भट्टी करेंगे तभी तो बाप के बच्चे बनेंगे, फिर 9 दिन की भट्टी ही नहीं की, गर्भ में ही नहीं गए तो बाप के बच्चे के बनने लायक कहाँ बने? तो बाबा उससे पहले जो पुरुषार्थ किया वो सब वेस्ट है भट्टी करने के पहले? आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है? आपने कैसे ठप्पा लगा दिया? नहीं जो इसी जन्म में अगर किया, आप अगर मगर कैसे, आपको कैसे पता चला है कि वो पूर्व जन्म में थे या नहीं? वो तो जब चलेंगे ज्ञान में, अगर तीखे चलते हैं तो पहले जन्म में थे। एडवांस की बातों को ज्यादा कैच करते हैं इसका मतलब थे, नहीं कैच करते हैं तो नहीं थे। नहीं बाबा, जैसे कोई आत्मा 10 साल से चल रही है ज्ञान में, हाँ
लेकिन भट्टी नहीं की है। ठीक, 2 लीटर का बोर्ड लगने के बाद करती है। हाँ, तो फिर इतना लेट क्यों हुआ? अगर तुमको निश्चय हो गया तो बाप से मिले बगैर कैसे रह गए? बांदेली माता है, भी घर से परमिशन नहीं मिलती। हाँ, तो क्या हुआ? घर से परमिशन नहीं मिलती तो बाबा परमिशन दे देते। जो रेगुलर क्लास करते हैं उन बांदेली माताओं को परमिशन नहीं देते? देते हैं।